अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अवकाश यादव, मेरे साथ हैं, क्लब बॉस। आप देख रहे हैं रिएक्शन फंडा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे उस चैनल का नाम है एक्सप्लोर इंडिया। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मोस्ट वेल्थ सिटी ऑफ इंडिया बाय जीडीपी हिंदी 2020। तो काफी लोग जो हैं हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते, वो वीडियो शुरू में क्लिक करके छोड़ देते हैं या फिर थोड़ी सी देख के उसके बाद बंद कर देते हैं। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरे तरीके से मिल सके। तो वीडियो पूरी अगर देखेंगे तो फिर आपको वीडियो की समझ आएगी। तो काइंडली वीडियो को जो है पूरा जरूर देखा करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि आ आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हे गाइस, दोस्तों आपका स्वागत है एक्सप्लोर इंडिया में। तो दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा, और दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर भारत की 10 ऐसी सिटी जो सबसे ज्यादा डेवलप है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता सिटी लगेगा कौन सी सिटी सबसे ज्यादा डेवलप है। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। लाइक लाजमी किया करें हमारी वीडियो को भी एक्सप्लोर इंडिया। दोस्तों नंबर 10 पे आता है यहाँ पर वाइजैग विशाखापट्टनम। दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल हब है, बड़ा प्यारा भी है, बहुत खूबसूरत सिटी है। तो 43.8 बिलियन US डॉलर इसकी जीडीपी है। और दोस्तों विशाखापट्टनम अगर हम वर्ल्ड रैंक की बात करें, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी की, तो विशाखापट्टनम रैंक करता है 122 फास्ट। सो गाइस नंबर 9 पे है यहाँ पर सूरत। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सूरत को द डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों सूरत एक पहली ऐसी सिटी है इंडिया की जिसमें रोड टू रोड सीसीटीवी कैमरा अप्लाई किया गया है। दुनिया के 90% डायमंड सूरत में ही पॉलिश और शेप में दिए जाते हैं दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी की बात करें तो दोस्तों उसमें सूरत टॉप 5 में रैंक करता है। सो गाइस सूरत की जीडीपी है 59.8 बिलियन US डॉलर। नंबर 8 पे आता है यहाँ पर अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल है, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और यहाँ सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। दोस्तों अगर हम जीडीपी की बात करें यहाँ पर तो 68 बिलियन US डॉलर, बहुत अच्छी है। अगर हम वर्ल्ड मोस्ट डेवलप अर्बन कम्युनिटी लिस्ट की बात करें तो दोस्तों अहमदाबाद 105 पे रैंक करता है। सो नंबर 7 पे आता है यहाँ पर पुणे। तो पुणे एशिया पैसिफिक रीजन की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी है, और दोस्तों यहाँ पर इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नंबर बहुत ही काफी जबरदस्त सिटी दिखाया जा रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे ज़्यादा जी डी पी की बात करें तो पुणे की जी डी पी है 69 बिलियन US डॉलर। काफ़ी तरक्की याफ्ता सिटी है। सो नंबर 6 पे आता है हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, और दोस्तों इसको इंडिया की बेस्ट सिटी माना गया है अकॉर्डिंग टू लिविंग की बात करें अगर हम, और अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो दोस्तों 75। मैं जब सऊदी में था तो मेरे साथ हैदराबाद के काफी लड़के काम करते थे, अभी भी मैं उनसे रابطہ में रहता हूं। स्टूडियो भी हैदराबाद में ही है। इंडिया नंबर 5 पे आता है चेन्नई। और चेन्नई सेकंड लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर है इंडिया का। और दोस्तों सिपकोट आईटी पार्क एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क है, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। एशिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी सेकंड और सबसे घनी आबादी वाली। नंबर 1 पे इंडिया का कोलकाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी जीडीपी की बात आप लोग करें तो करके मैं बता सकते हैं, मुझे कंफर्म यूएस डॉलर चेन्नई की जीडीपी है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो दोस्तों चेन्नई को 31st रैंक दी गई है पूरे वर्ल्ड में। सो नंबर 4 पे आता है यहाँ पर कोलकाता। तो दोस्तों कोलकाता को द सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और दोस्तों कोलकाता मेट्रो भारत की पहली एक अंडरग्राउंड मेट्रो है जो इंडिया में चलाई गई है। और दोस्तों ये चौथी सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी है इंडिया की अगर हम जीडीपी की बात करें तो कोलकाता की जीडीपी है 170 बिलियन US डॉलर। और दोस्तों जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। और दोस्तों अगर हम वर्ल्ड मोस्ट अमंग अर्बन कम्युनिटी की लिस्ट की बात करें तो दोस्तों 42 रैंक दी गई है कोलकाता को पूरे वर्ल्ड में। सो नंबर 3 पे आते हैं यहाँ पर बैंगलोर, द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। और दोस्तों
बेंगलोर को उसके क्लाइमेट से और आईटी पार्क और नाइट लाइफ से जाना जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है और तीसरी भारत की सबसे डेवलप्ड सिटी है। और दोस्तों अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो दोस्तों 197.4 बिलियन यूएस डॉलर बेंगलोर की जीडीपी है। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंजीनियर्स पाए जाते हैं। एजुकेशन में बहुत आगे है, खूबसूरती हर चीज। सो गाइस नंबर सेकंड पे आता है यहाँ पर मुंबई दोस्तों, सिटी ऑफ ड्रीम्स और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत से नामों से मुंबई को जाना जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो दोस्तों मुंबई की जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट है 6%। और दोस्तों मुंबई दुनिया की 37th रैंक करती है अगर हम जीडीपी की टर्म्स में देखें तो। और दोस्तों मुंबई भारत की दूसरी मेट्रोपॉलिटन बेस्ट सिटी है, 368 बिलियन डॉलर। सो नंबर वन पे आता है यहाँ पर दिल्ली। दोस्तों न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है दोस्तों, ये सेकंड रैंक करती है दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी में। और अगर हम इसकी जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात करें तो दोस्तों 8.7% यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रेट है। और दोस्तों दिल्ली मेट्रो सिस्टम को दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट मेट्रो सिस्टम बताया गया है। तो दोस्तों दिल्ली इंडिया की सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है अगर हम जीडीपी की टर्म्स में बात करें दोस्तों। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो दिल्ली की जीडीपी है 370 बिलियन यूएस डॉलर। सो गाइस वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ बताना हो तो दोस्तों आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इंडिया की टॉप 10 जो बड़ी सिटीज थी या जो जिसमें ज़्यादातर डेवलपमेंट की थी उनके बारे में बताया गया, तो आपको इनमें से कौन सी सबसे अच्छी लगी है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जो सबसे बेहतर लगी है, मतलब जिसके बारे में मैंने ज़्यादा सुना है, तो वो मुंबई है, मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है। तो आपको जो जो अच्छी लगती है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी कंट्री है उसकी कुछ सिटीज़ होते हैं जिनकी वजह से एक कंट्री का नाम रोशन होता है, ठीक है। पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे सिटी हैं और इंडिया के टॉप 10 जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा इनमें इन्वेस्टमेंट भी की गई है और बहुत ज़बरदस्त इनमें जो हमने देखा है, काफ़ी अच्छा लगा है कि इंडिया में भी टॉप 10 नंबर पर आते हैं ये सिटीज़। दोस्तों मैं सऊदीया में था, मेरे साथ हैदराबाद के लड़के काम करते थे, इंडियन हैदराबाद के, उनके साथ मैं एक रूम में रहा हूँ। कभी भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बताया कि हैदराबाद सिटी जो है इतना डेवलप्ड है, इतना खूबसूरत है। अभी मैंने वीडियो देखी है तो मैं हैरान रह गया हूँ, यार कमाल है, बहुत अच्छा सिटी था। मैं भी ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा, वो भी देखेंगे, उनको सेंड करूँगा लिंक इसका। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो कोलकाता लगा, उसकी डेवलपमेंट मुझे ज़्यादा पसंद आई है। बाकी भी ओवरऑल आप देखें सब सिटी अच्छे थे, इनमें आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये सिटी अच्छा था ये अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।